हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताते हैं वॉशिंग मशीन के जो वायरिंग होती है उसके बारे में बताते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो वॉशिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में बनाई थी कि वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन्हें किस तरह से असेंबल करते हैं और उसका क्या नाम होता है, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर 2 है और इसके अंदर हम आपको पूरी वायरिंग बता देंगे। सभी वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग होती है सेमी ऑटोमेटिक की, वो एक ही तरीके की रहती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किस तरीके का डिफरेंस रहता है। वैसे जो हमने डायग्राम पीछे बना रखे हैं तो इस तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और मैं स्टार्ट करते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन वायरिंग डायग्राम। तो सबसे पहले डायग्राम जो है वो कम्प्लीट कर दिए हैं और हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है ताकि आपको जो समझने में आसानी हो जाए। एक जो है हमने बासवारा कर दिया जिसमें कपड़े हमारे धुलते हैं और दूसरा जो है वो स्पिन वाला हमने कर लिया है जिसमें कपड़े जो हमारे सूखते हैं। तो इन 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और अब मैं आपको बास वाला बताता हूँ और बास वाले में भी हमने थोड़ा सा ओपन करके बता दिया है सब चीजें अलग अलग करके, जिससे आपको पता चल जाए अलग अलग चीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये जो है टाइमर, ये बास टाइमर है हमारा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बजर, ठीक है। और ये हमारी मोटर लगी हुई है और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसके अंदर ये 4 चीजें रहती हैं जिससे हमारी वॉशिंग मशीन चलती है, ठीक है। तो वॉशिंग जो टाइमर होता है उसका काम ये होता है कि मोटर को सप्लाई देने का काम रहता है और दोनों तरफ राउंडिंग में घुमाने का काम रहता है टाइमर का हमारे, ठीक है। और जो बजर होता है इसका अलार्म का काम होता है, जब कपड़े हमारे धुल जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे कुछ सेकंड पहले बजर जो है वो अपना अलार्म स्टार्ट कर देता है, जो आपने कभी सुना भी होगा। तो वो बजर काम करता है। कैपेसिटर जो होता है वो ये काम करता है कि मोटर की स्टार्टिंग देता है वो, क्योंकि मोटर के अंदर 3 तार होते हैं, एक कॉमन होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग रहता है, 3 तार मोटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। तो ये जो है हमारी, ये है मेन लीड, हमने यहाँ पे दिखा दी है। तो मेन लीड के अंदर जो है 3 तार होते हैं हमारे, एक होता है अर्थिंग का जो की ग्राउंडिंग का रहता है, एक होता है न्यूट्रल हमारा और एक होता है लाइन जिसे हम फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो अर्थिंग होता है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं, मतलब बॉडी से ही टच कर देते हैं जिससे करंट वगैरह जो है वो आपको ना लगे, इसलिए बॉडी से जो है अर्थिंग को ग्राउंड कर देते हैं। बाकी 2 तार हमारे बचते हैं, एक तार जो होता है वो जाता है मोटर के जो न्यूट्रल है उस पे जाता है और जो दूसरा वायर है ये जाता है सीधा टाइमर में। टाइमर में जाने के बाद में यहाँ से 3 तार बचते हैं हमारे, क्योंकि 4 तार वाला टाइमर है, जो और टाइमर होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक सिंपल सा जो डायग्राम है सभी मशीन के अंदर सेमी ऑटोमेटिक के अंदर यही वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर सप्लाई चली गई टाइमर के अंदर, तो ये जो है सप्लाई 2 तार यहाँ पे बचे हुए हैं टाइमर के और 2 तार मोटर के होते हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे, कोई सा कोई से भी कर देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि तारों की चार्जिंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है। और 2 तार रहेंगे कैपेसिटर के जो कि 11 μF का होता है, ठीक है। तो 2 तार यहाँ से आ गए तो ये हमारे 6 तार हो जाएंगे टोटल। 6 तारों को आपस में हम जोड़ लेंगे, 2 तार मोटर के हो जाएंगे, 2 तार कैपेसिटर के हो जाएंगे और 2 तार टाइमर के हो जाएंगे। तो इन्हें आपस में हम जोड़ देंगे, ये सीरीज में नहीं जुड़ेंगे, ये पैरेलल होंगे सब, ठीक है। और 1 तार हमारा जो बचता है ये जाएगा बजर में, क्योंकि बजर का इंडिकेशन जो है वो टाइमर ही हमारा देता है। तो ये तो होगी सिंपल वायरिंग। और जो एक बजर में जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि फेस तो हमारा टाइमर दे रहा है, बजर जो है हमारा उसमें एक न्यूट्रल जाएगा, न्यूट्रल को हम लेके आए सीधा मोटर से, जो न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया है वायर को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हमारे 3 तार आते हैं जो आपने देखा होगा। तो 1 तार को ग्राउंडिंग हो जाएगा, जो हरा तार होता है वो ग्राउंड कर देंगे हम, बाकी 1 तार ब्लैक और 1 तार व्हाइट रहता है हमारा। तो जो ब्लैक वाला रहेगा वो कॉमन रहेगा, जो रेड वाला रहेगा वो हमारा लाइन रहेगा, और लाइन जो है वो हमारा टाइमर में जाएगा। टाइमर से जो है ये 4 तार का टाइमर है, 2 तार ऊपर से आते हैं, 1 तार छोटा सा ही होता है बजट का, उसमें थिम्बल लगा रहता है, वो आपको अलग ही नजर आ जाएगा। 2 तार नीचे आने के बाद में 2 तार मोटर के और 2 तार कैपेसिटर के, इन्हें आपस में जोड़ेंगे अलग अलग करने के बाद में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे इस तरीके से आप जोड़ देंगे इन तारों को, तो ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीट हो जाएगी। बजट के लिए जो है न्यूट्रल हम यहाँ से देंगे, तो बास वाला जो बजट, बास वाला जो सिस्टम है मतलब मोटर को स्टार्ट करने का, वो लगभग कंप्लीट हो गई है वायरिंग। सभी मशीन की इसी तरह से वायरिंग होगी, चाहे कोई सी भी हो सेमी ऑटोमेटिक, बस उसके अंदर ये डिफरेंस हो सकता है कि किसी में 4 तार का टाइमर रहता है, किसी में 7 तार का रहता है और किसी के अंदर मोटर लगी रहती है टाइमर के अंदर, जिससे हमें न्यूट्रल और फेज दोनों देने पड़ते हैं। तो मोटर उसकी चलती है
और उसके बाद ना आगे की प्रोसेस होती है, वो वीडियो कॉल में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें भी दो तरीके के टाइमर रहते हैं। तो बात तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको स्क्रीन बता देता हूँ। स्क्रीन के अंदर क्या होता है, एक टाइमर लगा रहता है और एक लीड स्विच होता है और एक मोटर रहती है और एक कैपेसिटर रहता है। तो कैपेसिटर जो है वो इसके अंदर लगेगा 6 MFB का, मतलब 6 MFB का कैपेसिटर इसके अंदर लगेगा, ठीक है। टाइमर के अंदर दो तार रहेंगे इसके और दो तार रहेंगे लीड स्विच के अंदर। तो टाइमर जो है स्पिन वाले के लीड स्विच के आप सीरीज में जोड़ेंगे, दो तार इसमें से लेके सीरीज में से एक तार जो है हमारा स्विच में जुड़ जाएगा लीड स्विच में, एक तार यहाँ से बचेगा हमारा, दूसरा तार हमारा टाइमर पे बचेगा। दो तार हमारे बच गए तो यहाँ से हमने लाइन इधर दे दिया अलग से, तो यहाँ पे भी हमने ग्राउंड कर दिया। लेकिन आपको वॉशिंग मशीन के अंदर सिर्फ एक तार मिलेगा जो मैन होगा, अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही प्लग रहेगा उसके अंदर, तो मैंने अलग दिखा दिया है आपको। तो ये तो एक ग्राउंडिंग हो जाएगा, एक तार जो यहाँ से बचा है ब्लैक न्यूट्रल वाला वो मोटर पे चला जाएगा, जैसे वास वाले में हमने बताया था आपको बिल्कुल वैसे ही। और जो इसमें एक फेस आ रहा है ये हमारे टाइमर पे चला जाएगा, और जो एक स्विच का तार बच रहा है हमारा वो मोटर पे आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी जानने के लिए एक चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 6 MFB के कैपेसिटर से तार आते हैं हमारे, तो एक तो इसमें स्टार्टिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है और एक हमारा कॉमन होता है। तीन तार इसमें रहते हैं मोटर में, दोनों में ही तीन तार रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये जो एक तार हमारे पास बचा है इन दोनों पर से हमें किसमें लगाना है, क्योंकि वास वाले में तो दो तार थे, दोनों साइड को रनिंग कर रही थी मोटर, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइड को घूमेगी जब ये कपड़े हमारे सूखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें तार को लगा के चेक करना पड़ेगा। लगा के चेक करने पे जब हमारी मोटर जो है एंटी क्लॉक चलनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप उसी तार पे कनेक्ट कर देंगे। अगर एंटी क्लॉक नहीं चल रही, जैसे आप सपोज कीजिए अपने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में मोटर इस तरह से घूमनी स्टार्ट हो गई, तो ठीक है। अगर वापसी घूमने लगी, उल्टी घूमने लगी, अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगी मोटर हमारी, तो हमारे कपड़े सूखेंगे भी नहीं प्रॉपर और मोटर प्रॉपर काम भी नहीं करेगी, चल तो जाएगी लेकिन काम नहीं करेगी, हीट होने लगेगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसके वायरिंग है, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। ये टाइमर है, ये लीड स्विच है, इन दोनों के तार जो है वो सीरीज में जुड़ेंगे, दो टाइमर के तार हैं, एक दो लीड स्विच के हैं, एक तार इसमें से लेंगे हम टाइमर में से, वो लीड स्विच पे जोड़ देंगे, और एक तार जो है लीड स्विच से लेके टाइमर में जोड़ दिया हमने, एक नीचे आ जाएगा हमारा मोटर पे, ठीक है। जो एक टाइमर स्पीड टाइमर है, स्पीड टाइमर का जो है वो हमारा सीधा 220 वोल्टेज पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल प्रोसेस है इसकी बिल्कुल। तो ये हमने आपको बताया है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।